क्या हो गया? गाड़ी बंद पड़ गई? भाई साहब, ओ क्या हो गया? मैडम गाड़ी गर्म हो गई, पानी डालना पड़ेगा। जल्दी कीजिए। ओहो, पानी भी अभी खत्म होना था। क्या हुआ? आप रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ। भाई साहब वक्त देखिए, पानी कहाँ मिलेगा आपको इस वक्त? नजदीकी दुकान है, खुली होगी शायद। मैं पानी लेके आता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। जल्दी आना प्लीज। जी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। क्या पिक्चर थी यार। अरे आज तो मजा आ गया। कुछ भी बोलो। मजा आ गया, आज तो तकदीर पलटा मारी है। चलो। अरे अंदर कोई लड़की नजर आ रही है, चलो देखते हैं। चलो। खोलो खोलो खोलो। बचाओ। नीचे नीचे उतर। चल खोल खोल दरवाजा खोल। बचाओ। अरे बचाओ। नीचे नीचे उतर। चल खोल खोल दरवाजा खोल। बचाओ। अरे खोल ना। चल खोल खोल। अरे अरे पकड़ो। कौन थी? छोड़ ना यार, अगर उसने देख भी लिया है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल चल चलते हैं। साहब बिगड़ा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, तीन बोतल खलास कर गया अकेला ही। तुझे वाशी जाना है ना? हाँ साहब। देख रात बहुत हो चुकी है, एक काम कर तो निकल, मैं देख लूंगा इसे। ठीक है साहब। चल जा। अरे बॉस, बार बंद करने का टाइम हो गया, ये रहा तुम्हारा पास। हाँ इतना जल्दी बंद कर रहा है? हाँ अभी तो डेढ़ ही बजे। डेढ़ बज रहा तभी तो बंद कर रहा हूँ। अरे इतना गर्म क्यों हो रहा है? बस चला जाऊंगा, एक आखिरी पैक पिला दे। पक्का? हाँ आखिरी ना, इसके बाद एक बूंद भी नहीं मिलेगी। कम वक्त दुनिया वाले चैन से पीने भी नहीं देते। ये ले जल्दी पी और गलती हो ले।
कौन है? उधर तो कुछ भी नहीं है। लगता है अपुन को ज्यादा चढ़ गई ली है। दस? नो! दस! नो! सागरिका, गुड मॉर्निंग। हाय। अरे बाबा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, रात को सोई नहीं क्या? क्या बात है सागरिका, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो फिर तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले निशान क्यों पड़े हुए हैं? क्या बताऊं, सच बात है, आजकल रात को नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों बड़े बुरे बुरे से सपने आते हैं। बुरे सपने? कैसे बुरे सपने? वो बताओ ना सागरिका, कैसे बुरे सपने? क्या हुआ? हाँ? सपने? मैं सपने? वो मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। देखिए, इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा, ज्यादा सवाल करके अपनी परेशान मत कीजिएगा। और हाँ, जरा ख्याल रखिएगा, अगर इन्हें फिर से दौरा पड़ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो नर्स। सुनिए, हमें यहाँ किसी ने नहीं भेजा, हम यहाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आए, हम आपको बचाने आए। हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, पर आप हमें ठीक से याद करके बताइए कि आखिर कल रात हुआ क्या था। बहुत भयानक आवाज थी, बहुत भयानक। उसी गर्दन गर्दन
ऐसी कर दूंगी उसकी। उसमें इतनी ताकत थी कि शायद 100 आदमी में भी नहीं हो सकती। उसने ना उस आदमी को ऐसा पकड़ा और मेरे सामने ऐसा फेंक दिया। वो तो देखता नहीं गया। उसके हाथ ना ये नाम रहे होते और गर्दन के पास से मार डालेगा मुझे। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाओ। मुझे लगता है ये अभी भी सपने में, एंड आई एम श्योर कि इसको उस आत्मा के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस आत्मा ने सिर्फ रघु को क्यों मारा, इसे क्यों नहीं। हो सकता है कि रघु के साथ उसकी कोई आपसी दुश्मनी है। चल मौत चलते देखते हैं, रघु की लाश आ गई होगी वहां। अभी तक उस हादसे को नहीं भूली? अरे तू उसे याद करेगी तो पागल हो जाएगी तू। क्यों नहीं भूलती उसे? कैसे भूलूं? कैसे भूलूं? पागल तो हो ही गई। जानती है आज क्या हुआ? क्या बताती हूँ, बताती हूँ। उस दिन जो हादसा हुआ था ना, वहां दो आदमी थे। उन दो आदमी से क्या है? तो सच कह रही है? सच तो कह रही। टीना मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरे सपनों का और इन मौतों का सारा कोई कनेक्शन है। सारा कोई कैसे सपने? टीना मेरे पास बताना। मेरे पास
आदमी मेरे पास रघु के रिश्तेदार हैं? हाँ, वो मेरा चचेरा भाई है। बड़ी दर्दनाक मौत पाई उस बेचारे ने। उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी आत्मा ने मारा है। मैं खुद पर अकेला रहना चाहता हूँ रघु के साथ। ठीक है, देखी मैं बहुत बहुत बुरी मौत हुई उसकी। कहीं वो वापस तो नहीं आ गया हमसे बदला लेने? ठीक है बॉस, मैं आता हूँ वहां। कहाँ गया वो? नागरिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो है ना? Yeah.
खून? सागरी का तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खून किसका है? और ये कपड़े? किसके कपड़े है ये सागरी का? मालूम नहीं। ये खून किसका तुम्हें मालूम नहीं? ये कपड़े किसके तुम्हें मालूम नहीं? मालूम नहीं है। सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। ये खून किसका है? ये कपड़े किसके हैं? इस कमरे में आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ क्या हो रहा है? सर, मैंने तो पहले ही कमलेश से कहा था कि प्रखु की मौत एक आत्मा की वजह से हुई है, और आवाज देखिए, वो भी बेमौत मारा गया। पूरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिखे हमें वो। अगर वो आत्मा दोबारा आ गई तो? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, कुछ पता लगा? हाँ, कमलेश झूठ कह रहा था। वो और रघु कोई भाई भाई नहीं है। वो दोनों तो भांडुप की एक फैक्ट्री में साथ में काम किया करते थे, जिस पर कुछ ही दिन पहले ताला लग चुका है। इनफैक्ट तुम लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि उन दोनों ने इन दिनों के बीच 3-4 फ्लैट भी खरीदे। क्या? फैक्ट्री पे ताला लगने से वो लोग बेरोजगार हो गए होंगे ना? तो फिर उन दोनों ने 3-4 फ्लैट कैसे खरीदे? कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस भांडुप वाली फैक्ट्री में जाकर पता करना चाहिए। चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सागरिका। बस ना, एक मिनट, कुछ बात करनी है तुमसे, प्लीज। मैम, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक। क्या हुआ तुझे? तू मुझे बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? ये तो अब डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर? इसमें डॉक्टर क्या करेगा? हाँ डॉक्टर, और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। चलो। टीना, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी फिक्र है, पर जो चीज से मैं परेशान हूँ उसका जवाब डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। क्या मतलब? देख, तू नहीं समझेगी। तो समझाओ ना मुझे, तुम क्यों नहीं समझा रही हो? और आखिर चल क्या रहा है सागरिका? जिस तरह से तुम्हारे सपने, किस तरह से तुम्हारा बेहोश होना, और ये इस तरह से अनजान कपड़े, क्या है ये सब? टीना, अगर मेरे पास इन बातों का जवाब होता तो मैं तुझे बताऊंगा। मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं खुद इन चीजों का जवाब ढूंढती हूँ और फिर तुझे बताऊंगा। सागरिका, एक मिनट आना। तू ये पानी पी और रिलैक्स हो। रिलैक्स? She's calling me. It doesn't look nice, na? Yeah, ma'am. Coming. 2 minutes. अरे अरे, सुन तो। Sorry, 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 sorry. कहाँ थे हम? Number one. अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट जाते हैं, ओके? कूल, फास्ट। क्या हुआ सागरिका? वो उल्टी गिनती, उल्टी गिनती, वो छोड़ी बस। वो सागरिका, 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 कुछ नहीं है सागरिका, सागरिका, कुछ नहीं है। नहीं कुछ भी सागरिका, सागरिका, सागरिका,
नहीं गया, कहीं मुझे कुछ होता नहीं गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। सागरिका, अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कोई आवाज नहीं आ रही। चौकीदार तो कह रहा था कि इस फैक्ट्री का सुपरवाइजर अंदर ही है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं, वो यहीं कहीं होगा। अब शायद ये सुपरवाइजर ही हमें बता पाएगा रघु और कमलेश के मौत के बारे में। पर ये फैक्ट्री तो बंद है ना, तो फिर सुपरवाइजर यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं यार, लेकिन मुझे तो इस फैक्ट्री में कोई चक्कर लग रहा है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पे जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हुई। वास आ रही है, ऊपर चलो। एक और लाश। और ये लाश है किसकी? पता नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। ये तो अमित जी हैं। अमित जी? कौन अमित जी? इस फैक्ट्री के मालिक। क्या मतलब, उस आत्मा ने इस फैक्ट्री के मालिक को भी मार दिया? नहीं अम्मी, अगर ये आत्मा होती तो इस तरह लाश को छुपाती नहीं। ये काम किसी आत्मा का नहीं, इंसान का है। लेकिन ये फैक्ट्री का सुपरवाइजर का है। अभी यही था साहब, लाश देख के डर के भाग गया। कहां भाग गया? उस तरफ। चलो। राघव तुम वहां जाके देखो, यामिनी तुम मेरे साथ चलो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पहले रघु, फिर कमलेश, अब एक और लाश, एक और लाश। मैं क्या करूं? ये मैं तो यूं ही डर गया था। कौन 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 है? ये ऐसी कौन खींच रहा है? यहां तो कोई नहीं है, कोई नहीं है यहां। Oh, my God.
दस दस नंबर नौ नौ नंबर नौ नौ आठ आठ सात ये नंबर कहाँ से आया छः छः पाँच चार तीन दो एक मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। इस आत्मा ने तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर को भी मार डाला। न जाने और कितने लोग मरेंगे इसके हाथों से। चलो पीछा करते हैं इसका। ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आ गई? ये मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे? सब ये जगह कौन सी है जी? ये एक ऑयल मिल है, पर आप वो मैं ये आपके कपड़े पे खून कैसे? पता नहीं हाँ सच में पता नहीं, ये खून कहाँ से आया मुझे पता नहीं। ये कपड़े जो मैंने पहन के रखे हैं, वो किसके हैं? मुझे पता नहीं। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ?
मुझे कुछ पता नहीं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। हर्ष, तुमने इसके कपड़े देखे? ये तो वही कपड़े हैं जो सातवां ने पहन रखे थे। कहीं ये लड़की वो आत्मा तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो आत्मा तो एक आदमी के थी ना, हमने खुद देखा था। तो फिर ये कपड़े, कपड़ों पे लगा हुआ खून, कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इस लड़की का उस आत्मा के साथ। सुनिए, रुको। देखिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे बस जाना है। हमें इस मिल में एक आदमी की लाश मिली है और तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बस घर जाना है। चली जाओ, पर पहले हमें ये बता कि तुमने उस आदमी को मारा क्यों? मैंने? हाँ, तुमने उस आदमी की जान ली है। मैंने किसी को नहीं मारा, भला मैं किसी को क्यों मारूं? मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, खुद बहुत परेशान हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। होश में आती हूँ तो कपड़े बदले हुए होते हैं और एक खून लगा हुआ होता है। ये तुम्हारे साथ कितने दिनों से हो रहा है? 3 दिनों से। 3 दिनों से? पिछले 3 दिनों से लोग मारे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आत्मा तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रही है लोगों को मारने के लिए। मतलब वो आत्मा मेरे अंदर आ जाती है और मैं लोगों का खून करती हूँ? हाँ, और जब उस आत्मा का काम खत्म हो जाता है वो तुम्हारा शरीर छोड़ देती है, तब जाके तुम्हें होश आता है। पता नहीं ये सब सागरिका के साथ ही क्यों हो रहा है। वो आत्मा, वो क्यों उसके शरीर का इस्तेमाल करके लोगों को मार रही है? टीना, ये रस्सी लो और बांधो मुझे, मैं अब और किसी की जान नहीं लेना चाहती, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, बस बांधो मुझे। क्या बात है, तुम एक दूसरे को देख क्या रहे हो? अरे बांधो मुझे वरना बहुत देर हो जाएगी। वो उल्टी गिनती वो शुरू हो जाएगी, इसलिए बांधो मुझे। उल्टी गिनती? हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और मैं बेहोश हो जाऊंगी। फिर कहीं और एक और इंसान मारा जाएगा, इसलिए मैं किसी को मारना नहीं चाहती, बस बांधो मुझे, बांध। क्या बात है, बांधो ना मुझे प्लीज, बांधो ना, बांधो ना, बांधो मुझे। मेरी बात कोई मानता क्यों नहीं? मुझे नहीं करनी ना मेरी मदद। ठीक है, मत बांधो, मैं अपनी खुद की मदद करूंगी। इस खून खराबे को रोकने का शायद यही एक तरीका है। से। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मैं अपने आप को बांधूंगी ताकि ये खेल ही खत्म हो जाए। और मैं किसी को लेकिन सागरिका, तुम ऐसे कब तक बंधी रहोगी? जब हम तुम्हें दोबारा खोलेंगे उस वक्त भी तो उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तब तक, जब तक वो आत्मा मेरे शरीर को छोड़ नहीं देती, खून किया है मैंने। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम और भी खून करने वाली हो? ये भी तो हो सकता है कि वो आत्मा अब तुम्हारे पास नहीं आए। नहीं, वो आत्मा जरूर आएगी। उस रात
एक और आदमी वहां मौजूद था, उसे भी जरूर मारेगी। कौन आदमी? वो चौथा आदमी। ये सब उस मनहूस रात को शुरू हुआ था जब मैंने वो हादसा होते हुए देखा था। किस हादसे की बात कर रही हो तुम? 3 रात पहले की बात है, जब मैं काम से लौट रही थी, एकाएक मेरी टैक्सी खराब हो गई। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? अब तो तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू होती है। 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जरूरी है आदमी की आत्मा है जिन्हें इन सबने मिलकर फांसी दी थी, अब वापस आ गया है। इन सब से पता ले। उन तीनों को तो उसने मार दिया, ये चौथा आदमी कौन? चौथा मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। हमें उस चौथे आदमी तक पहुंचना होगा। हो सकता है वो चौथा आदमी भी उसी फैक्ट्री में काम करता हो। तुम दोनों यही रुको, मैं फैक्ट्री में पता करके आता हूं। सागरिका, क्या तुम्हें पानी चाहिए? थैंक्स। हटो इसे। क्या हुआ? इस ग्लास में 10 लिखा हुआ, मतलब उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई। हटो इसे। इसका मतलब वो आत्मा फिर से तुम्हारे शरीर में आने वाली है। तुम्हारे मत पर नो है। चली जाओ, सब चले जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे अकेला, छोड़ो छोड़ो। आठ, सात, बंद करो ये आवाज़ें, पांच, चार, तीन, दो, एक। साहब कैसी बातें कर रहे हो? जिन लोगों की मौत हुई है उनको मैं जानता जरूर था, लेकिन उनकी मौत क्यों हुई है ये मुझे नहीं पता। आप कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, सच सच बोलिए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे साहब, पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं है। जितना पता है उतना बता दो। साहब एक बात बताऊं, रघु, कमलेश और फैक्ट्री का सुपरवाइजर श्याम, ये तीनों अच्छे लोग नहीं थे साहब। मतलब ये तीनों मिलके फैक्ट्री के मालिक पर बराबर दबाव दे रहे थे फैक्ट्री बेचने के लिए। लेकिन अगर ऐसी बात ही तो आपके मालिक ने पुलिस में जाके कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे नहीं जा सकता था, क्योंकि ये तीनों मिलके उसको ब्लैकमेल जो कर रहे थे। ब्लैकमेल? कोई ना कोई चीज तो थी उनके पास जिसका वो गलत फायदा उठाकर उसको बराबर ब्लैकमेल किए जा रहे थे। फिर?
साहब अभी दो दिन पहले ही फैक्ट्री से कुछ कागजात मिले हैं, जिन पे लिखा है कि सारी की सारी फैक्ट्री उन दोनों के नाम कर दिए मालिक ने, और तब से साहब मालिक भी गायब है। मुझे तो लगता है इन तीनों ने मिलकर मालिक से जबरदस्ती कागज पर साइन करवाया और उसको कहीं मार के उसकी लाश को कहीं दफन कर दिया। तो क्या ये तीन लोग ही आपके मालिक को ब्लैकमेल कर रहे थे, कोई चौथा आदमी नहीं था? चौथा आदमी? हाँ चौथा आदमी। दरअसल एक लड़की ने आपके मालिक का खून होते हुए देखा है और वो कह रही थी कि वहां पर तीन नहीं चार लोग थे। नहीं नहीं चौथे आदमी का तो मुझे पता नहीं साहब, लेकिन वो लड़की और क्या कह रही थी साहब? बस वो ये कह रही थी कि बहुत जल्द उस चौथे आदमी की मौत होने वाली है। मुझे लगता है कि शायद आपके मालिक की आत्मा अपने खूनियों से बदला ले रही है उस लड़की के जरिए। तो क्या मैं भी मारा जाऊंगा? तो क्या तुम वो चौथे आदमी हो? नहीं 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 मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ राघव सब ठीक है क्या? सागरिका भाग गई? राघव मैं मिल में, वो चौथा आदमी मुझे मिल चुका है, तुम दोनों जल्दी आओ। दिनकर 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 राघव यामिनी, उस चौथे आदमी का नाम दिनकर है और वो उस तरफ कहीं गया। चलो जल्दी हमें उसे बचाना होगा। दिनकर दिनकर दस नौ आठ सात कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गया दिनकर? मालिक हूँ मैं तेरा। मालिक? वही मालिक जिसके साथ तूने नमक हरामी की। मुझे माफ कर दो मालिक, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं नहीं, मुझे माफ कर दो। वो मुझे मार देंगे, आत्मा मुझे मार डालेगी। तुम चलो हमारे साथ, जल्दी चलो। चलो चलो यामिनी।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सागरिका, मार डाला मैंने उसे, मार डाला ना, मैंने एक और जान ले ली, मैंने फिर से मार डाला किसी को, मैंने फिर से किसी को मार डाला, मैंने जान ले ली किसी की, मैंने मार डाला किसी को। सागरिका, सागरिका संभालो अपने आप को। इस फैक्ट्री के मालिक ने अपना बदला पूरा कर लिया है, अब यहां और कोई नहीं मिला। चलो क्या हुआ सना, तुम्हारे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? हाँ यार, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ट्रैकिंग में तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती है ना। अरे यार, मेरा तो ये खूबसूरत जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा शहर। पर चलना तो पड़ेगा ना, हम लोग जिंदगी भर तो यहाँ रुक नहीं सकते, अब जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है यार, ना कोई बस ना कोई आदमी। हाँ कितना सन्नाटा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, हम हैं ना सब। क्या हुआ? यहाँ पर बस के टाइमिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है यार, अब क्या करें? चलो उससे पूछते हैं। अरे बॉस, ये अगली बस कब जाएगी? अब बस नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब? आखिरी बस चली गई है, अब कोई बस नहीं आएगी। अरे कल सुबह के पहले कोई तो बस आएगी ना, आप सिर्फ हमें बस जाने का टाइमिंग बताइए। कल सुबह के पहले और कोई बस नहीं है, जाओ जाओ, चले जाओ वापस। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना कि कल ही यहां से वापस चलते, बस के टिकट्स भी थे हम लोग के पास, लेकिन तुम लोगों को यहां पर एक और दिन रुकना था, अब भुगतो। अरे तू क्या रोता है यार, हम लोग एक और दिन यहां पर रुक जाते ना, तू टेंशन क्यों लेता है? यहां से 1 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, इन झाड़ियों के पीछे। चलो फिर उस ढाबे पे ही चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहां से सीधा शहर जा रहा हूं। अरे कैसे जाएगा यार, सुबह के पहले कोई बस नहीं है। तो कोई लिफ्ट मांग लूंगा यार, लेकिन कल सुबह से पहले मेरा शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। देखो मेरा पैर तो बहुत दर्द कर रहा है, आई डोंट थिंक मैं इतना ज्यादा वॉक कर पाऊंगी। तो तुम लोग नहीं आ रहे हो, ठीक है तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अकेला ही जा रहा हूं। अरे अरे सुन यार, राहुल राहुल, अरे तू कैसा दोस्त है यार। अरे बॉस, लिफ्ट 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 लिफ्ट, अरे मुझे भी साथ में ले चल यार। लिफ्ट 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 लिफ्ट, ये भी नहीं रुक, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लगता है मैं अकेला पागल नहीं हूं यहां पर, ये एक और है लिफ्ट की तलाश में। अरे बॉस 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 बॉस, तुम भी शहर की तरफ ही जा रहे हो ना, यहां पर लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे तो इतनी देर हो गई है कि तुम बस में चले जाओ। बस में? आखिरी बस कब की निकल चुकी है, अब कल सुबह से पहले कोई बस नहीं है,
और क्या है ना कि मेरा सुबह से पहले शहर पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये पूरे रास्ते एक बस और भी है। एक बस और? कहां मैं अभी तो यहां पीछे से आया, कोई लिफ्ट मांग रहा था कोई। अरे बॉस रुको, अरे उस बस का पता तो बताते जाओ। अरे बॉस अरे बॉस अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं यार, मुझे भी तो वही बस पकड़नी है। अरे ये कहां चला गया? अरे यार मुझे भी साथ ले जाता, मुझे भी वही बस पकड़नी थी। यहां तो आने जाने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या, घने जंगल में इतनी रात को राशन की लाइन लगी हुई? अरे कहीं वो बस यहीं से तो नहीं जाने वाली? अरे अरे बॉस तुम्हें कितनी आवाजें थी, तुम रुके ही नहीं यार। हेलो, अच्छा छोड़ो, वो बस यहीं से जाने वाली है क्या? कमाल है, कुछ बोल ही नहीं रहा, इतना एटीट्यूड दिखा रहा। ये तो बस की आवाज है, लेकिन ये बस आ कहां से रही है? अरे चलिए चलिए आगे चलिए, बस में चढ़िए। कमाल है, कोई हिल क्यों नहीं रहा है? अरे बॉस मैम आगे चलिए ना, बस में चढ़िए। अरे चलो ना यार, तुम भी तो भाग के आए। छोड़ो यार, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई बस आएगी। चलिए आप लोग भी आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ यार मैं आ रहा हूं। अरे छोड़ो यार, मैं अकेला ही जाता हूं। कमाल है, मेरे अलावा और कोई बस में चढ़ा ही नहीं। ये क्या, पूरी बस खाली? ये बस शहर तो जाएगी ना भैया? डरो मत, ये बस तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुंचा देगी। अभी अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अभी ये हाँ ओके। वो सीट तुम्हारे लिए नहीं है, वो भी तुम्हारी नहीं है। कमाल कर रहे हो यार, पूरी बस खाली है, तुम कह रहे हो ये सीट तुम्हारी नहीं है, ये सीट तुम्हारी नहीं है। क्या क्या सीट नंबर क्या है मेरा? सीट नंबर 27 तुम्हारे लिए है। 27, पूरी बस खाली पड़ी है और 27, 27। ये सारी खिड़कियां क्यों बंद रखी यार तुमने? यार ये खिड़की खुल क्यों नहीं रही है? छोड़ो यार, ये क्या गीला है यार? ये सीट गीली क्यों है यार? ये पानी खून टिकट। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस से उतारो, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस यार ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ सना, किसका फोन नहीं लग रहा है?
यार राहुल का कब से बंद आ रहा है? अरे नेटवर्क नहीं होगा या फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। कल रात का निकल चुका है, अब तक तो घर पहुंच ही गया होगा। वो एक मैसेज तो कर ही सकता था ना। चल ठीक है यार, जब तू उसको मिलेगी ना तो उसके कान खींच देना, ठीक है? मुंबई मुंबई मुंबई। चलो अगर ये बस भी छूट गई ना तो आज भी हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। चलो चलो मुंबई मुंबई मुंबई। हेलो जी। जी नमस्ते आंटी। हाँ राहुल हमारे ही साथ था क्या? वो अब तक घर नहीं पहुंचा? लेकिन वो तो कल रात ही निकल चुका था आंटी। हाँ वो तो लिफ्ट लेकर आने वाला था। आंटी आप घबराइए नहीं, उसका इंटरव्यू था ना तो शायद वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए गया हो। जी हाँ आंटी, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं उससे कह दूंगी कि आपको कॉल करे। जी जी कमाल है, राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा। सना ये तो राहुल की आवाज है, लेकिन राहुल यहां कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी आई हूं। राहुल राहुल तुम अंदर हो क्या? सना राहुल देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे डर लग रहा है। राहुल कहाँ हो? सना राहुल तुम हो? राहुल वहां अंधेरे में क्या कर रहे हो? बाहर आओ ना प्लीज। तुम घर क्यों नहीं गए? पता है आंटी बहुत परेशान थी, तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। रात होते ही तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देंगी, उनका जवाब मत देना। आवाजें? कैसी आवाजें? उनकी तरफ मत जाना। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं
मैंने तो उसकी आवाज सुनी थी। अक्सर लड़कियां लड़कों को वेट कराती, पर मेरा तो पूरा केस ही उल्टा है। इंतजार कौन करेगा? यामिनी। प्यार के हिंट्स कौन देगा? यामिनी। और प्रपोज कौन करेगा? यामिनी। और ऑर्डर कौन देगा मैडम? यामिनी। मेरा मतलब है मैं। दो कोल्ड कॉफी प्लीज। आप दो कोल्ड कॉफी पियेंगी मैडम? क्यों, नहीं पी सकती? नहीं नहीं, मैं समझा कि एक कोल्ड कॉफी आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए मंगा रही हैं। क्या हुआ सना, तुम फोन पे काफी डरी हुई लग रही थी। बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है विवेक। मैंने राहुल को मेरे घर में देखा। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? तुम समझ नहीं रहे हो। उस रात वहां से निकलने के बाद वो अपने घर नहीं पहुंचा। मैंने उसे मेरे घर में देखा। तो क्या हुआ, वो अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे घर आ गया होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरे घर पे तो ताला लगा हुआ था, तो फिर वो अंदर कैसे गया? और अचानक वो मुझसे कुछ कहने लगा, और कुछ कहते कहते अचानक गायब हो गया। क्या, गायब हो गया? हाँ, और जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां राहुल था ही नहीं, खून था। खून? और जाते जाते उसने मुझे चेतावनी भी दी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन मैं उन आवाजों की तरफ ध्यान न दूं और किसी भी अनजान चीज के पास न जाऊं। आवाजें, अजीब चीज, मुझे लगता है सना जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा है। ये सपना नहीं था विवेक, इट इज ऑल ट्रू, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। कहीं ये किसी आत्मा का चक्कर तो नहीं? मुझे जाके उसे बात करना होगा। मैडम मैडम मैडम, आपकी कोल्ड कॉफी। थैंक यू जी। और कुछ लेंगी मैडम? नो थैंक यू। ओह गॉड। अरे क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे? यहाँ पे एक लड़की बैठी थी सना, उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने गायब हो गया और उसे चेतावनी देकर गया। क्या? हाँ, मुझे लगता है कोई आत्मा का चक्कर है। आत्मा का चक्कर? शायद सना के बारे में यहाँ पर कोई जानता होगा। सुनो। हाँ सर। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी सना, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सना मैम जी, वो तो पास वाले बिल्डिंग में ही रहती है, वो पिकॉक टावर में। पिकॉक टावर जी। चलो, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। पर वो वेटर ने तो यही एड्रेस बताया था। जरा सुनिए जी। कहिए। क्या सना यहीं पर रहती? जी हाँ, पर आज सुबह से वो घर पे नहीं है। क्या, आज सुबह से सना घर नहीं आई? हाँ, कल वो आई थी काफी दिनों के बाद, पर मैंने तो आज सुबह से ये घर पे ताला लगा हुआ देखा है। कोई बात? नहीं, थैंक यू। हाँ, इट्स ऑल राइट। थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, शायद वो वापस आ जाए। विवेक, मैं अपने घर वापस नहीं जाने वाली, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो राहुल की आत्मा वापस आ गई तो। हाँ सना, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं विवेक, तुम समझ नहीं रहे हो, वो राहुल को कुछ हो गया है। वो मैंने वहां खून देखा, राहुल का खून। सना, तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, ओके? अब तुम सो जाओ। विवेक प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो वापस आएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना सना, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? तुम सो जाओ।
ऐसे ही। चला गया। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? मैंने तुमसे कहा था ना, आवाजों का जवाब मत देना, किसी अनजान चीज की तरफ मत जाना, बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आगे मत बढ़ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। Thank you.
ये बस कहाँ गायब हो गई? और सना, सना वो कहाँ चली गई? कहीं कहीं बस के साथ सना भी? हर्ष, सना गई तो आखिर गई कहाँ? वो अपने घर भी नहीं लौटी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ कुछ हो तो नहीं गया ना। सना का एक दोस्त भी गायब हो गया यामिनी, हो सकता है इन दोनों की गायब होने की वजह एक ही हो। हर्ष, ये तो वही लड़का है जो सना के साथ था। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि तू रात तक नहीं रुक सकता था? मैं जानता हूँ सुनील, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। ये घबराया हुआ लग रहा है, कुछ हो तो नहीं गया? कल रात को सना को राहुल दिखा था अपने घर पे, तो पर जब वो वहां पर गई तो राहुल था ही नहीं, फर्श पर सिर्फ खून पड़ा था। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सुनील, इसलिए कल रात वो मेरे घर आ गई, उसे अपने घर में रहने से डर लग रहा था। ओह, इसीलिए सना के घर पे ताला लगा हुआ था। ये सना का भी ना दिमाग खराब हो गया है। वो है कहाँ पर अभी? वो नहीं है सुनील। नहीं है मतलब? सना गायब हो गई है। गायब हो गई है? गायब हो गई मतलब? देख, तू साफ साफ बता, हुआ क्या? कल रात मेरे घर एक बस आई थी सना को लेने, और वो बस सना को लेकर गायब हो गई। बस? ये लोग किस बस के बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें खजान में लिया थे शायद उस ट्रेन की तरह, ये बस भी एक आत्मा हो सकती है। मतलब ये कि सना को पहले राहुल दिखा अपने घर पे, लेकिन जब वो वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खून था। इसलिए वो डर के तेरे घर पे आई रात को रहने के लिए, और फिर तेरे घर पे एक अजीब बस आके उसको लेकर गायब हो गई। एग्जैक्टली। देख, या तो तू पागल हो गया या तो सना पागल हो गई। मैं जा रहा हूँ। सुनील रुक जा, सुनील चलो। सैंटा क्रूज। सुनील रुक जा सुनील, तू मेरी बात तो सुन। अरे तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? मैं तुझसे कह रहा हूँ ना। क्या हुआ यार, तुम तो डरा हुआ क्यों लग रहा है? वहां पर राहुल और सना खड़े। कहां पर यार? वहां तो कोई नहीं है। वहां पर खड़े तुझे दिखाई नहीं दे रहे? अरे कहां पर? मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? अभी वो दोनों खड़े। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मैं तुझे शाम को मिलता हूँ, ओके? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा विवेक, डोंट वरी, ओके? चल बाय। विवेक। कौन हो तुम लोग? तुम्हें सना दिखाई देती है ना? हाँ, देखी, अभी देखी, वहां पर खड़ी थी, बहुत बुरी हालत में थी वो। क्या हुआ था सना के साथ? उसे वो बस लगी, मार देगी उसे वो। बस? कौन सी बस? वो मनुष्य बस, वो उसे लगे, उसे मार दिया उसने। कल रात मेरे घर भी आई थी वो मनुष्य बस। सना के साथ तुम्हारा एक दोस्त भी था ना? वो भी अभी खड़ा था वहां पर, उसने भी मार दिया उस बस से, उसने भी मार दिया, उसे भी लेके गई वो बस। विवेक, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे राहुल के साथ क्या हुआ था? मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। राहुल का एड्रेस हमें दो, हम पता करेंगे कि उस मनुष्य बस की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। राहुल, विद्याधर नगर 7/270। विवेक, हम राहुल के घर जाने वाले हैं, तुम चलोगे हमारे साथ? पागल हो गए तुम लोग दोनों, मौत मेरे पीछे पड़ी है। मैं मरने वाला हूं, मैं नहीं आऊंगा। विवेक,
मेरा बेटा राहुल, वो तब से घर वापस नहीं आया जब से वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गया था। मैं खुद चिंता में मरे जा रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ। कौन दोस्त है वो, आप जानती हैं उन्हें? वो एक सना, विवेक और सुनील, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो तो पहले ही निकल गया घर वापस आने के लिए। लेकिन अगर वो वहां से निकल गया है तो घर वापस क्यों नहीं आया? घबराइए नहीं, वो वापस आएगा, हम ढूंढेंगे उसे। आंटी, क्या आपके पास विवेक का नंबर है? विवेक का नंबर? ये से फोन करता हूं। मैं तो यहां से बाहर ही नहीं जाऊंगा, फिर देखता हूं कैसी वापस लेने आती है। किसी का फोन नहीं उठाऊंगा और कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? पता नहीं, विवेक फोन नहीं उठा रहा। राइट। चलो विवेक, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए। मैं नहीं आऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे नहीं आना। मैं नहीं आऊंगा।
राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा, सना भी घर नहीं पहुंची, और अब ये विवेक, विवेक फोन नहीं उठा रहा। ये प्रॉब्लम दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है यार। इस सुनील को फोन करके देखते हैं, शायद वो अपना फोन उठा लिया। आंटी, क्या आपके पास सुनील का नंबर है? हाँ, उसी डायरी में लिखा होगा। अरे आ रहा हूँ यार। हेलो सुनील, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। कौन हर्ष? मुझे तुम्हारा नंबर राहुल की मम्मी ने दिया है। ओह, राहुल की मम्मी ने? अच्छा अच्छा, क्या हुआ? सुनील, तुम राहुल और अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गए थे ना? हाँ, गया था। तो क्या वहाँ पर कोई हादसा हुआ था या कोई अजीब घटना हुई थी तुम लोगों के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? दरअसल राहुल और सना गायब है, उन दोनों का कोई अता पता नहीं, और अब तो विवेक भी अपना फोन नहीं उठा रहा है। क्या, विवेक अपना फोन नहीं उठा रहा है? अरे लेकिन अभी अभी तो मैंने विवेक से फोन पे बात की, वो राहुल और सना दोनों को लेकर मुझसे मिलने आ रहा है। क्या, विवेक तुमसे मिलने आ रहे हैं? कहाँ पर? अरे मेरे घर पर। और कहाँ पर? देखो सुनील, सुनील तुम्हारी जान को खतरा है। What? हाँ सुनील, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर का एड्रेस दो, अभी इसी वक्त। हमें अभी इसी वक्त सुनील के घर जाना होगा, चलो। सुनील, सुनील, सुनील! ये सुनील जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? मैं लाइट ऑन करता हूँ यार, बहुत अंधेरा है। लगता है बिजली चली गई है। सुनील, 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 पहले हमारी फोन पे बात हुई थी। छोड़ो सुनील, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। सुनील, सुनील बात क्या है? विवेक, विवेक, सना और राहुल तीनों मर चुके, उनकी उनकी आत्मा आई थी अभी यहां पर, वो तीनों बहुत जख्मी थे, उनके उनके चेहरे पूरे सफेद हो गए थे। हर्ष, यामिनी, क्या हुआ यामिनी? हर्ष, खून, खून, इसी इसी खून से आए थे वो तीनों, यहीं से आए थे। इसीलिए तो हम तुम्हें सावधान करने आए हैं कि उस बस का अगला शिकार तुम हो सकते हो सुनील। बस,
बस अब क्या होगा? देखो देखो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हमें बताओ कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऐसा क्या हुआ था उस ट्रैक पर जिससे तुम्हारे तीनों दोस्त मारे गए? ट्रैक पर तो हमने बहुत मजा किया, वहां पर तो कुछ नहीं हुआ था, बस आखिरी दिन राहुल को। क्या हुआ राहुल को? राहुल को शहर जाने की बहुत जल्दी थी, वो अकेला ही चल पड़ा। वहां पर एक भिखारी था, उसने बताया भी। आखिरी बस चली गई है, पर फिर भी वो नहीं माना और हम सबको छोड़ के वो अकेला ही चल पड़ा। तो, मतलब कि सब की शुरुआत तब हुई जब राहुल तुम लोगों को छोड़कर चला गया था। कौन सी जगह है जहां से राहुल तुम लोगों को छोड़कर चला गया? रहमतपुर बस डिपो। इस सब की शुरुआत तब से हुई जब से वो राहुल अपने अलग रास्ते निकल गया, वो बस पकड़कर। न जाने उसके साथ क्या हो गया होगा कि उसके सभी दोस्त भी मुसीबत में पड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, इस बस डिपो के स्टाफ वालों से पूछते हैं, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो यार भोला, सोमवार रात को जो बस का एक्सीडेंट हो गया था ना, उसमें कई मासूम जाने चली गई। उस बारे में अगर सोचता हूं ना तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। वाकई बड़े अफसोस की बात है, लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि उस बस में तो 30 लोग थे ना। हाँ, लाश तो सिर्फ 26 लोगों की मिली, क्या 4 लोग जिंदा बच गए? अगर जिंदा बचते तो कम से कम सामने तो आते, लेकिन उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। ये किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? सोमवार रात को जो बस का हादसा हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा ही बुरा हादसा हुआ, कोई भी जिंदा नहीं बचा साहब। पर आप किन्हीं 4 लोगों के बारे में बात कर रहे थे ना जिनकी लाशें नहीं मिली? जी हाँ, बस 30 सीटों वाली थी, सभी टिकटें बिक चुकी थी, लेकिन लाश तो सिर्फ 26 लोगों की ही मिली है। जिन 4 लोगों की लाशें नहीं मिली, क्या आप उनके नाम जानते हैं? नाम तो हमें नहीं पता। शुक्रिया। कहीं राहुल इसी बस में तो नहीं चढ़ गया? मुझे भी यही लगता है। एक्सीडेंट हुआ था सोमवार की रात को और मंगलवार को राहुल बस की आत्मा में बैठा था। लेकिन राहुल ने बस पकड़ी कहां से होगी? कोई तो अड्डा होगा इस बस की आत्मा का। तुम लोगों को याद है सुनील ने हमें एक भिखारी के बारे में बताया था? अरे हाँ यार, और उस भिखारी ने कहा था कि इतनी रात को यहाँ पे बस नहीं मिलेगी, है ना? कहीं उस भिखारी ने देखा हो राहुल को कहीं जाते हुए जहाँ से उसे वो बस मिली। ढूंढते हैं उस भिखारी को, वो जरूर यहीं कहीं होगा। बाबा, क्या मंगलवार रात को 4 दोस्तों ने आपसे किसी बस के बारे में पूछा था? हाँ, पूछा था, पूछा था। उनसे मैंने कहा था कि इतनी रात को कोई बस नहीं मिलेगी। तिन्ने तो मेरी बात मान ली, पर एक ने। क्या हुआ उसे का? उसकी जिद खा गई उसे, वो अकेला ही निकल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जो उसे शहर की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ ले गया। कहां है वो रास्ता? हमें वहां जाना है।
ये जगह इतनी सुनसान है, क्या तुम दोनों को लगता है कि वो बस यहीं पे आती होगी? उस भिखारी ने तो यही कहा था कि राहुल इसी रास्ते से आया था। ये रोशनी कैसी? बस आ रही है। बस? ये बस यहाँ क्यों रुकी हुई है? वो भी ये सब तो आत्माएं हैं। शायद ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सब बस में क्यों चढ़ रहे? चलो चलकर देखते हैं। वो सना है ना? सना? शायद इस बस की आत्मा ने इसे भी मार दिया है और विवेक को भी मार दिया। वो देखो विवेक, एक मिनट एक मिनट। उस रात जब इस बस का एक्सीडेंट हुआ था, चार लोग इस बस में नहीं चढ़े थे और ये भी चार दोस्त थे। सना, राहुल और विवेक मर चुके हैं। इसका मतलब है कि सुनील, मैं अभी सुनील को फोन लगा था। हेलो सुनील। हाँ सुनील, सुनील राघव बोल रहा हूँ। सुनील, क्या तुम चारों दोस्त ट्रैकिंग से लौटते वक्त क्या कोई बस लेने वाले थे? क्या बस लेने वाले थे लेकिन तुम लोगों ने ली नहीं, एक दिन और एक्स्ट्रा रुक गए? सोमवार की रात थी। ओह गॉड, राघव क्या हुआ? हर्ष, ये चारों दोस्त उसी दिन इस बस पे चढ़ने वाले थे जिस दिन इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। पर ये चार चढ़े नहीं और बाकी सब मर गए, इसलिए वो बस वापस आई है उन चारों को अपने साथ ले जाने के लिए मौत की दुनिया में। इनकी किस्मत में उस रात मरना लिखा था, पर ये चार तो उस बस में बैठे ही, इसलिए मौत इनका पीछा करते करते वापस आई है इस बस के रूप में। मतलब कि राहुल, सना और विवेक को मारने के बाद ये बस सुनील को मारने आएगी। चलो जल्दी चलते हैं, सुनील की जान को खतरा है। चलो इस बस का एक्सीडेंट जहां पर हुआ था ये बस वहीं गई होगी। चलो लाशें।
हम लोग सुनील को नहीं बचा पाए यार। हाँ राघव, मौत से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया, ये लोग भी नहीं। हमको इन लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर देना चाहिए, इनके घर वालों को खबर दे देनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, इंसान खुद से और अपनी मौत से कभी दूर नहीं भाग सकता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।